जनपद गाजियाबाद में थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है, जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ हैं यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। ऐसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहां पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भिग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके दो दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया, तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये का परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसके सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और खास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई, और खास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि दो अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरोबरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले, तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को प्रशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है, तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और उसमें जो भी
लोग दोषी हैं, साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सके। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है बहुत अच्छा, और खासतौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियां, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से उनके द्वारा वार्ताएं भी की गई, और सारी चीजें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो है इसमें जो मैंने बताया इसके साथ वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहां पर छोड़ा गया था वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है, अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू वोजर स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिस्ट।